गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में कोई व्लॉग नहीं रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी व्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो चीज़, वो है आपका फ़ोन जिससे आप शूट करेंगे। और मैं बताऊं आपको, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पे हुए, तो अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ फ़ोन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आराम से व्लॉग शूट कर सकते हो, आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो अब एक हो गया फ़ोन, बाकी गाइस सेकंड चीज़ व्लॉगिंग के लिए आती है एक अपनी ट्राईपॉड। तो ये मैं ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, ये है हमारा मोबी लाइफ का ये ट्राईपॉड है। तो गाइस ये कॉम्बो है, ये ट्राईपॉड भी है और आपकी सेल्फी स्टिक भी है। तो तभी मैंने इसको परचेज किया था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ है, ऐसा ये पैक, ऐसी पैकिंग आती है इसकी। और अंदर से अगर और कुछ भी देखें तो एक ये चीज़ है जो कि इसका सेल है, क्योंकि ये है हमारा ब्लूटूथ वाला, और एक मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। तो वो तो अभी किसी काम की नहीं है हमारी, क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है। बाकी अगर आप ये चीज़ परचेज़ करते हैं तो फिर पढ़ लीजिएगा, इसके ऑन करने के बारे में ही है। तो अब इसको निकालते हैं इस पैकेट से। गाइस ऐसा सा कुछ ये ट्राईपॉड है हमारा, जो कि काफ़ी छोटा है, देखिए कितना मेरे हाथ जितना है, आराम से मेरी पॉकेट में आ जाता है। और ये कुछ ऐसे खुलता है, ये देखिए ये खुल गया। और इसमें ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ोन होल्ड होता है, तो ये ऊपर ऐसे, और बस आप आराम से व्लॉग शूट कर सकते हो इसके थ्रू। बाकी ये ट्राईपॉड है, तो देखिए ये नीचे से ये चीज़ और ऐसे स्टैंड हो जाता है। बाकी मैंने आपको कहा था कि ये कॉम्बो है, ये ट्राईपॉड भी और सेल्फी स्टिक भी है। तो ये ऐसे बंद हो के ये इधर से एक्सटेंड हो जाता है, तो ये देखिए ये हमारी सेल्फी स्टिक भी बन गई। तो मैं आपको इसमें फ़ोन लगा के दिखाता हूँ अपना। तो ये है मेरा पुराना फ़ोन, बाकी नए फ़ोन से तो मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ऐसे लग जाता है, ये चीज़ ऊपर को हो जाती है ऐसे, बढ़िया। कोई मतलब कोई हिल डुल नहीं है फ़ोन में, कोई डर नहीं हमारा गिरने का, तो ऐसा कुछ है। बाकी आप इससे बढ़िया आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। बाकी गाइस ये मेरे को इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें है हमारा रिमोट, जो कि है ये इधर लगा हुआ है, देखिए ये रिमोट है, ये इसका बटन, और ये आराम से यहाँ से निकल भी जाता है। ताकि आप अपना ट्राईपॉड को साइड में रख दें, स्टैंड लगा दें, और ये अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और इसको इधर से निकाल के अपने साथ ले आए, और जब आपको वीडियो स्टार्ट करनी है तो इसको प्रेस करके वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और आप ये फ़ोटो भी क्लिक आराम से कर देता है। तो ऐसा कुछ है, बाकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, तो मैंने परचेज़ कर लिया। और बाकी गाइस इसकी डिसएडवांटेजेस और हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका कहीं भी, आप इसको कहीं भी नहीं रख सकते, आपको ये अनइवन सरफेस पे आप इसको टिका ही नहीं सकते, आपको ये सिंपल प्लेन सरफेस पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, दो डिसएडवांटेजेस इसकी लगी मेरे को। बाकी इसके साथ यार एक एक्स्ट्रा सेल भी मिलता है, ताकि ये कभी ख़त्म हो जाए तो आप इसको लगा दें। अभी तक तो नहीं हुआ मेरा, कम से कम मेरे पास इसको 6 महीने तो हो ही चुके हैं, बाकी ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता ये तो बस फ़ोन ऐसे पकड़ने के लिए है और बस। तो ये था छोटा सा हमारा इस चीज़ का रिव्यू, अब इसको करता हूँ मैं बंद। बाकी गाइस आराम से पोर्टेबल है, आपकी पॉकेट में आ जाता है। बाकी गाइस जो सेकंड चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो है ये MI का पावर बैंक, जो कि है 20,000 mAh का, जो कि हमारे को 18 W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। तो गाइस जैसे कि मेरे पास आईफोन है, तो जैसे कि आपको पता ही है ना कि आईफोन का बैकअप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं इसको कैरी करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि इसे चार्ज करना ही पड़ता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसा कुछ है, ये अपना पावर बैंक हो गया, और इसके साथ इसके बॉक्स में आता है एक केबल आती है जिसको चार्ज करती है, ये कुछ रहता है इस पावर बैंक के बॉक्स में। और ये है हमारा पावर बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है MI का। बाकी इसमें ये चीज़ें हैं हमारी, दो USB की आई, दो USB के आउटपुट्स हैं,
और एक हमारे यू टाइप चार्जर जो अपने आजकल आईफोन में चलती है ना, वो है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और हमारे को फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है, तो उसके हिसाब से तो बढ़िया है। बाकी अगर मैं अपने फ़ोन की बात करूँ, मेरा फ़ोन है 2200 mAh का, तो उस मेरे फ़ोन को अराउंड 7 to 8 टाइम्स चार्ज कर देता है फुल 0 to 100 विद इन 1.5 आवर्स, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए तो। बाकी अगर हम इन दोनों चीज़ों की प्राइसिंग की बात करें, तो ये जो अपने पास ये है ना, हमारी ट्राइपॉड प्लस सेल्फी स्टिक, ये मुझे अराउंड 400 की पड़ी थी शायद अप्रॉक्सीमेटली। बाकी और जो ये MAH, ये हमारा जो ये MI का पावर बैंक है, ये मुझे पड़ा था अराउंड 1600 शायद, मतलब तो मुझे इतना याद नहीं है अब, पर हाँ ऐसे ही था कुछ 1600 समथिंग का। तो ये था मेरा सेटअप जो मैं अपनी व्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ। एक और चीज़ भी है जो आप व्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा है माइक। काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया है बोया का माइक, पर मैंने अभी तक परचेज नहीं किया, तो जब करूँगा वो भी बता दूँगा आपको। तो ऐसा कुछ था गाइस अपना छोटा सा रिव्यू इन चीज़ों के बारे में। तो बाकी गाइस ये काफ़ी चीप चीज़ें हैं, मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी ये सेल्फी स्टिक तो देखिए आपको 400 rupees के आराम से मिल जाएगी। अमेज़ोन से मैंने दोनों चीज़ें मंगाई थी। बाकी अगर आपका फ़ोन का बैकअप अच्छा है, तो आपको पावर बैंक की भी कोई नीड नहीं है। बाकी आप इसके बजाय अपना माइक खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें। तो ऐसा कुछ था, बाकी आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा और आपके काम आएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी गाइस ये मेरा कोई रिव्यू रिलेटेड चैनल नहीं है, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। बाकी इन चीज़ों का मैंने रिव्यू दे दिया आपको, जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ और मुझे अच्छी लगी। इस चीज़ की डिसएडवांटेज है, वो भी ठीक है, अपना चल पड़ता है बढ़िया। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, थैंक यू। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, बाय बाय।